सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TFS राइड में। और टुडे आई एम राइडिंग हीरो एक्सट्रीम स्टेल्थ एडिशन 2.0। और बाइक काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही डिफरेंट, आई मीन की काफ़ी स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ में इसको उतारा गया है इंडियन मार्केट में। और हीरो ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अपग्रेडेशन किए हैं, तो हम बात करेंगे उसकी। एंड डेफिनेटली जो रेड कलर है ना इस ब्लैक के ऊपर में, ये काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रहा है। मैं जो बात कर रहा था आपसे, जब मैंने आपने मेरी टेस्ट राइड वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें आप देखोगे तो जो ये फुट रेस्ट का पीछे जो दिया गया है, इस पर जो ये रेड कलर है ना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेंट करवा दिया। बट सीरियसली अभी मैं इसको देख रहा हूं ना, तो इस टाइम पे ये ऐसा फील हो रहा है कि यार काफी स्पोर्टी लुक ये दे रहा है इस बाइक को। एंड लिटरली बहुत अमेजिंग लग रही है। शोरूम के अंदर का तो पता नहीं, बट बाहर निकालने के बाद में बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। तो ये ओवरऑल डिजाइन है इस बाइक का, अगर मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाऊं। एंड सीरियसली मैं तो फैन हो गया इस बाइक का। तो बाइक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो 160 सीसी का इसमें इंजन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 15.5 bhp की पावर एंड अराउंड 14 nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। और ये वो बाइक है जो आपको ऑलमोस्ट सबसे फास्ट 0 to 60 करके देती है, और सबसे कम टाइम है आई थिंक 4.4 सेकंड्स के आसपास का। आपने जो टेस्ट राइड वाली जो वीडियो है उसमें ये देखा भी होगा, तो आपको मालूम होगा। वेल, अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं, तो इसमें कुछ जो खासा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो है इसमें ब्लैक के ऊपर जो ये रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हीरो ने यहाँ पे अपनी स्टिकरिंग दी गई है, जो एक्सट्रैक स्टेल्थ लिखा गया है ये रेड कलर में, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 160R की जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे दिया गया, स्टिकरिंग की गई है, हीरो ने यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग की है, और सेम आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसमें जो तीन मेजर चेंजेस किए हैं, पहले जो बाइक आती थी एक्सट्रीम उसमें आपको ये ग्रैब रील देखने को नहीं मिलते थे, बट अब इस बाइक में ये ग्रैब रील आपको दिए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। एंड इसकी वजह से बाइक का जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है ना, वो भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा भी इंक्रीज़ डेफिनेटली हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, वेल यहाँ पे अब आपको इंजन पे आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है, और ये बेसिकली एक कवर है, और जिसकी वजह से जो गाड़ी का जो लुक है वो और भी बल्की लगने लगा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं दोनों साइड से, तो इस ब्लैक पे भी ना आपको हल्का सा जो ग्राफिक है वो देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड की लाइनिंग के साथ में। तो ये प्रॉपर कवर किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें नकल गार्ड ऐड किए गए हैं, तो नकल गार्ड के साथ में बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका क्या कहना है, आपको बाइक कैसी लग रही है। वेल, ये जो थे बेसिक चेंजेस थे। आपको पता होगा कि ये जो बाइक है प्रॉपर LED सेटअप के साथ आती है। अगर मैं बात करूँ इसके इंडिकेटर्स की, तो प्रॉपर LED सेटअप इसमें देखने को मिलता है। ये एक मात्र ऐसी बाइक है जो 160 cc के सेगमेंट में आती है, जिसमें ऑल LED सेटअप, इवन की इंडिकेटर्स, हेडलाइट, और अगर मैं इसके टेल लाइट की बात करूं, तो टेल लाइट भी आपको प्रॉपर LED मिलते हैं। इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर का जो टेल लैम्प, टेल कवर दिया गया है, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। और उसके बाद में ये बाइक, सबसे अच्छी बात पता है क्या मुझे लगती है, जो मेरे पास में अगर मैं देखूं अपाचे की बात करूं, तो आप जब इसको पीछे के इसकी फिनिशिंग की बात करोगे ना, तो ये कभी भी उनका अलाइन नहीं दिखता है। ये हल्का फुल्का कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा, लेकिन आप इस बाइक में देखोगे तो ये आपको प्रॉपर अलाइन दिखेगा। ठीक है, तो हीरो ने जो इसके डिज़ाइन पे काम किया है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। इवन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम 160R की बैजिंग मिल जाती है। ये स्मार्ट कनेक्ट है, तो आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसमें आपको कॉल्स और आई थिंक मैसेज का भी ऑप्शन मिल गया होगा। अगर हम बात करें इसके हैंडल बार की और इसके स्विचेस की, इसी में आपको किल स्विच है, और उसके बाद इंजन किल स्विच है, और इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ओ वाओ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, सिंगल टच स्टार्ट है क्या? यस यार, सिंगल टच स्टार्ट है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं लेफ़्ट वाले बटन्स पे, स्विचेस पे, तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, पास, और इसके अलावा ये हज़ार्ड्स लाइट का ऑप्शन दिया गया है। इवन कि अभी तक किसी और बाइक में मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं देखा, ना अपाचे में देखा है, ठीक है, ना मैं होंडा की किसी बाइक में देखता हूँ, बट इसमें आपको ये दिया गया, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। ये इंडिकेटर्स टर्न करने के लिए, और इसके अलावा हॉर्न, तो हॉर्न भी इसका अच्छा है काफ़ी।
यहाँ पे मिरर्स लगने के बाद में बाइक का लुक ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वेल, यहाँ पे बात करें तो बाइक की जो अभी LED लाइट है, ये यहाँ पे DRL आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी प्यारा सा लुक देती है, काफ़ी एग्रेसिव लगती है देखने में और काफ़ी बल्की सा फील देती है। इसका टैंक देखोगे आप तो वो काफ़ी चौड़ी सी नज़र आएगी आपको। और बात करें अगर इसमें इसके सॉकर की, तो फ्रंट आप सस्पेंशन देखोगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेड कलर के साथ में ABS की बैजिंग मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS में ये बाइक आती है। 276 mm के आसपास का इसका डिस्क है जो रोटर है, और पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग पेडल डिस्क की वैसे भी काफ़ी अच्छी होती है। इवन कि पीछे अगर बात करूँ तो यहाँ भी आपको पेडल डिस्क देखने को मिल जाता है। अगर हम इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छा इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनने को मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी सा फील होता है। आप जब कभी सिटी में राइड कर रहे हो, थोड़ा सा एग्रेसिव आप जब इसको राइड करेंगे तो आपको फील होता है। अभी सभी कंपनीज़ ने अपनी बाइक से किक निकाल दिया है, बट हीरो अभी भी आपको यहाँ पे ये किक का ऑप्शन दे रहा है। एक चीज़ मुझे और इसके बारे में पसंद आई है कि जब आप इसका जो राइडर का जो फुटरेस्ट होता है, ये काफ़ी स्पोर्टी आपको लगेगा देखने में, जैसा स्पोर्ट्स बाइक में आपने देखा होगा। तो ये जो चीज़ इन्होंने इसमें ऐड की है ना, ये काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी प्यारी लग रही है यार, सीरियसली काफ़ी अमेजिंग सा लुक है। इसमें आपको मिडिल जो स्टैंड है वो भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रेड कलर में ये बाइक देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये आपके सामने है। एंड एक चीज़ और कि इसका जो मीटर है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव मीटर यहाँ पे देखने को लगता है, और इसमें आपको इवन कि कितने इसकी स्पीडोमीटर हो गया या फिर ओडोमीटर हो गया, गियर इंडिकेशन है, फ्यूल इंडिकेटर है, RPM है, 9000 RPM तक बाइक रेव कर सकती है। साइड स्टैंड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंजन लाइट है, न्यूट्रल है, उसके बाद जो हेडलाइट ऑन करने के बाद में इंडिकेटर्स है, ABS इसका वर्किंग एंड फ्यूल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस बाइक में, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, एंड सच बताऊँ आपको तो ये एक 160,000 में ना प्योर पैकेज है। मतलब इससे अच्छी बाइक आपको इस प्राइस पे नहीं मिल सकती है। तो अगर आप नोएडा से हैं तो आप फटाफट से धनश्री पे आके इस बाइक की टेस्ट राइड लीजिए, फील कीजिए जैसा मैं इसको फील कर पा रहा था, और उसके बाद आप इसको ज़रूर परचेस करने वाले हैं, क्योंकि इस सेगमेंट की सबसे प्यारी मोटरसाइकिल है ये। मैं अगर बात करूँ इसके टायर की, तो फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है, जो कि MRF की तरफ से है, नाइलो ग्रिप। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं रियर सेक्शन की बात करूँ तो 130x70 एंड 17 इंचेस के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि MRF की तरफ से। और लिटरली इसकी जो ग्रिप है ना, काफ़ी ऑसम ग्रिप है, काफ़ी ऑसम। और काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक को देख के कि हीरो अब अपने आप को अपग्रेड करने लग गया है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में अब आपको बाइक मिल जाती है। ये था मेरी तरफ से इस बाइक का छोटा सा रिव्यू। एक चीज़ हाँ, और आपको पता होगा स्टेल्थ एडिशन में यहाँ पे हीरो ने अब आपको चार्जिंग की सुविधा दे दी है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल माउंट लगा सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग राइड पे आपको काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। टैंक साइज़ ऑलमोस्ट 13 लीटर के आसपास का है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यार सीरियसली क्या लगती है यार, सच में काफ़ी प्यारा लुक है। मतलब कि 150cc की बाइक अगर आप परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इस वाली बाइक के साथ में जाएं, बिकॉज इससे अच्छा डिज़ाइन, इससे अच्छी पावर और इससे अच्छी पावर डिलीवरी आपको नहीं मिल सकती है किसी भी बाइक में, बिलीव मी, नहीं मिल सकती है। मोनोसॉक सस्पेंशन है, वो भी रेड कलर के दिए गए हैं, और सीरियसली बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन की वजह से इसका जो डिज़ाइन है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर मैं इंजन के कैप की बात करूँ तो आपको ये ब्लैक मिलने, ये भी रेड मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छा और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से इस थीम को फॉलो करता हुआ दिखने वाला है। तो ये सारा कुछ था आज इस बाइक के लिए मेरी तरफ से। सो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इस छोटे से भाई को अपने सपोर्ट करो यार, बिकॉज अभी अपनी डोमिनार भी आने वाली है, तो उसके लिए अभी अपने को सपोर्ट आपका प्रॉपर चाहिए, ताकि और भी अच्छी वीडियोस, मोटिवेशन मिले मुझे और मैं और भी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए बना पाऊँ। मुझे अभी इसको चला के काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो अभी चलते हैं इसकी राइड पे। तब तक इस रिव्यू वाली वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।